ओके हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू टेक जी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपकी भी एज 13 से 28 साल के बीच में है और आप लोग एक डेबिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आज की ये वाले वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वाले वीडियो में मैं सभी बैंक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जितने भी बैंक्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, या फिर कोई भी ऐसे थर्ड पार्टी जो बैंक्स आते हैं, अभी जो एप्लीकेशन चल रहे हैं उसके बारे में, कि कैसे आप 13 से 18 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप लोग डेबिट कार्ड पा सकते हो, कैसे आप लोग बनवा सकते हो। तो चलिए दोस्तों इस वाले वीडियो को हम शुरू करते हैं छोटा झंडों के बाद, लेकिन दोस्तों से पहले बता दें कि अगर आपको इस वाले वीडियो से हेल्प हो जाता है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके कॉल पर क्लिक कर लेना, ताकि आपको आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। साथ ही में अगर आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या फिर कॉल पर बात करना चाहते हैं तो यार कॉल मी फॉर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, आपको टेक हैकर जी वहाँ पे सर्च करके मुझे कॉल कर लेना है। शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच डेली मैं वहाँ पर ऑनलाइन रहता हूँ, अवेलेबल रहता हूँ, तो वहाँ पर आप लोग मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं छोटे से ड्रो के बाद। ओके तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं 2 से 3 तरीके बताने वाला हूँ डेबिट कार्ड लेने के लिए, चाहे आप किसी भी बैंक में जाएं या फिर आप किसी भी बैंक में अभी आपका पहले से खाता है। फिर भी आपको मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है और आपको एक नया डेबिट कार्ड चाहिए तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाएँ, वहाँ पर अपना नया अकाउंट ओपन करवाएं। और वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो कम एज के लोग होते हैं, 18 से कम साल के लोग, उनको डेबिट कार्ड बहुत ही जल्दी से मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक फीचर होता है प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट का, और उसका जो डेबिट कार्ड है उसमें एक डेबिट कार्ड मिलता है जिसकी लिमिट 25,000 रुपये होती है। अगर आप 18 से कम है तो आपकी लिमिट जो है 10,000 या 20,000 इस टाइप की कुछ मिलेगी, लेकिन आपको डेबिट कार्ड वहां पर 100% मिल जाएगा अगर आप लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपने लिए एक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहां पर आपको डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। आपको बता दें कि इस डेबिट कार्ड को लेने के लिए जब आप यूनियन बैंक में अकाउंट खुलवाएं तो आप कम से कम वहां पर 1,000 रुपये जमा करें, ताकि उनको ये लगे कि नहीं ठीक है, बंदा ने 1,000 रुपये जमा किया है, तो वो लोग जल्दी से डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करवा देते हैं। तुरंत ही वो लोग आपको डेबिट कार्ड दे देते हैं जब आपको पासबुक मिलेगा उसी टाइम पे। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, ये तो हो गया यूनियन बैंक की। साथ ही में अगर आपके पास पहले से ही किसी बैंक का अकाउंट है, जैसे कि SBI का है, PNB का है, BOB का है, या फिर BOI का है, यानी बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, इन सभी, या फिर कोई भी ऐसे प्राइवेट बैंक हो या मान लीजिए, तो उनमें आपको क्या करना है, ये जो बड़ी बड़ी जो बैंक है, सरकारी बैंक है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें कैसे डेबिट कार्ड मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ एक चीज़ की, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं तो वो लोग सीधे बोलते हैं कि पैन कार्ड लेके आओ तो फिर आपका यहाँ पर डेबिट कार्ड मिलेगा। 18 साल से कम के हो तो भी वो लोग पैन कार्ड मांगते हैं, यानी कि वो लोग डेबिट कार्ड नहीं देना चाहते हैं, तरीके से वो लोग जो ग्राहक होते हैं उनको परेशान करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 तरीके मैं बताने वाला हूँ, जो बड़ी बैंक है जो भी ये कहते हैं कि पैन कार्ड लेके आओ, उसमें 2 तरीका है। पहला आप ये बताइए कि सर मुझे प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट योजना वाला डेबिट कार्ड दे दीजिए, अगर उससे नहीं मानते तो बोलते स्मार्ट चाइल्ड वाला डेबिट कार्ड आता है 18 साल से कम वालों के लिए, वो दे दीजिए। अगर इन दोनों को आप मांगिए, इन दोनों का फॉर्म आप फिलअप करिए, उनसे बोलिए कि मुझे प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट में जो डेबिट कार्ड मिलता है वो डेबिट कार्ड दे दीजिए, तो शायद वो लोग आपको वो डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर दे और वहाँ पर आपसे पैन कार्ड ना मांगा जाए। अब मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अगर मान लीजिए फिर भी आपका काम नहीं होता है, फिर भी वो लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे यहाँ ये प्रोवाइड नहीं होता है, कुछ भी चीज़ें या कुछ भी बहाना करें वो लोग, तो फिर आपको क्या करना है, कैसे आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा। अब चलिए मैं आपको एकदम बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ, जो कि कोई भी बैंक हो, कोई भी अकाउंट हो, कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, आपको 100% यहाँ पर डेबिट कार्ड मिलने वाला है। कैसे मिलेगा चलिए अब हम बताते हैं। इधर आपने जगह जगह पर बहुत से जगह ऐसे फिनो पेमेंट बैंक का एक बैनर देखा होगा, पोस्टर देखा होगा, और वहां पर आपने अपने मार्केट में भी फिनो पेमेंट बैंक का एक दुकान या शॉप देखा होगा। आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, आपने जो भी मैंने अभी आपको पीछे बताया ये सब आपने ट्राई कर लिया है, तो फिर आपके लिए ये एकदम बेस्ट तरीका होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आपका भी कोई भी बैंक ऐसे डेबिट कार्ड नहीं दे रहा है 18 साल से नीचे में, तो फिर आपको क्या करना है, फिनो पेमेंट बैंक में जाना है, फिनो पेमेंट के जो वहाँ पर शॉप होते हैं आपके मार्केट में, वहाँ पर जाना है और उनसे बोलना है कि भाई मुझे डेबिट कार्ड चाहिए, ये वाला मेरा अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में, या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, या फिर सेंट्रल बैंक में, जहाँ पर भी आपका अकाउंट हो, आपको सिंपल से बोलना है कि भैया ये मेरा अकाउंट है, ये अकाउंट नंबर है, ये मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। पैन कार्ड नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड से काम हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि पहले जो फिनो पेमेंट बैंक है वो अपना अकाउंट ओपन नहीं करता था, वो सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड देता था। कैसे डेबिट कार्ड देता था कि अगर आप मान लीजिए आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिर्फ अकाउंट है, डेबिट कार्ड नहीं है, तो वो अपना डेबिट कार्ड जो है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ लिंक कर देता था KYC करके। उसके बाद क्या होता था कि जो आपको फिनो पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड मिलता था आप उसी से पैसे निकालते थे और पैसा जो है वो आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से कटता था, यानी कि एक तरीके से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का
डेबिट कार्ड होना चाहिए, उसके जगह आप लोग फिनो पेमेंट बैंक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो फिनो पेमेंट बैंक होता है वो किसी भी बैंक अकाउंट में अपने डेबिट कार्ड को लिंक कर सकता है, उनके पास अथॉरिटी है या फिर आप कह लीजिए कि उनको ये अधिकार मिला हुआ है RBI के द्वारा, तो वहाँ पर आपको जो डेबिट कार्ड है वो आसानी से मिल जाएगा। इस ये चीज़ जो आप किसी भी बैंक में कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, किसी भी टाइप का बैंक हो, आप लोग अपने लिए इस तरीके से जो ये मैंने लास्ट थर्ड स्टेप बताया है, इस तरीके से 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डेबिट कार्ड मिल जाने वाला है अगर आपकी भी एज 18 से कम है। साथ ही में आपको मैं बता दूँ कि अगर आप ये ट्राई करते हैं और आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है फिनो पेमेंट बैंक वाला, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या क्या प्रोसेस हुआ था। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे एक फ्रेंड ने जब लिया था तो उसको बस यही प्रोसेस हुआ था कि उसके आधार कार्ड से जो उसकी KYC करी गई थी, वहाँ पर KYC दोनों टाइप की हो सकती है, OTP बेस्ड भी हो सकती है या फिर फिंगर बेस्ड भी हो सकती है, यानी फिंगरप्रिंट लगा के आपको डेबिट कार्ड भी 100% मिलेगा, क्योंकि जो फिनो पेमेंट बैंक है वो डेबिट कार्ड देने के लिए ही पहले जाना जाता था, अभी वो अकाउंट भी ओपन करने लगा है। तो फिर उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आएगा, सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट समझा दी है कि कैसे आपको 18 साल से कम उम्र में अपने लिए डेबिट कार्ड लेना है, सारे बैंक्स के बारे में बताया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कुछ बैंक्स जो वो डायरेक्ट डेबिट कार्ड दे देते हैं, तो आप उसके बैंक का नाम और लिखेंगे डेबिट कार्ड फॉर्म अंडर 18 गूगल पर, तो वो आपको PDF भी मिल जाएगा अगर वो अवेलेबल रहेगा ऐसे डायरेक्ट, तो वो दे देते हैं। बाकी अगर ऐसे नहीं हो पाता, यानी कि जो लोग को प्रॉब्लम आ रही है तभी आप लोग वाली वीडियो सर्च किए हो, तो मतलब अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर जो भी मैंने आपको तरीके बताए अभी तक वीडियो में पीछे, वो सारे तरीके अपनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेबिट कार्ड कन्फर्म मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वाले वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ और चीज़ पूछना हो, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग हमें कॉल मी फोर एप्लीकेशन के थ्रू कॉल कर सकते हैं, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। और ये वाली जो वीडियो दिख रही है इसको देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर मेरे को कॉल पर कैसे बात करना है वो करने आ जाएगा। तो चलिए इस वाले वीडियो को यहाँ पर हम एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।